हमारे साथ बात करने के लिए साइला चड्डा मैम है। मैम काफ़ी दूर से देख रहे हैं आप फिल्म पर्दे से कहीं ना कहीं गुल सी नज़र आई है, तो क्या कारण रहा है कि आप गुल हो गए फिर आप फिर से आप ऑन हो रहे हैं, इस अंतराल में आपने क्या क्या किया? बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी की और एक मतलब एक ये भी एहसास हुआ कि ऑडियंस लव्स मी एंड मिसेस मी, सो आई वांट टू बी, मुझे वापस आना है क्योंकि मुझे भी अपने जो दर्शक हैं उनसे मुझे भी प्यार है एंड मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरा काम सराए, और जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी कहते हैं कि आई शुड कम बैक बिकॉज मेरा जो जॉनर था उसमें एक वॉइड है, एक कमी है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं वापस एंटरटेनमेंट के लिए आ जाऊँ वापस। अभी अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो कौन सी फिल्म जो है पाइपलाइन में है जिनको आप कर रहे हैं? अभी आई हैव कम्प्लीटेड दो हिंदी फिल्में मैंने कम्प्लीट की है, एक इंटरनेशनल फिल्म कम्प्लीट की है, एक शॉर्ट फिल्म कम्प्लीट की है, तो होपफुली एंड ऑफ दिस ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर तक वो रिलीज़ हो जाएगी। प्लस मैंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है तो खुद की फिल्में भी आएंगी, टेलीविजन भी शुरू कर दिया एज अ प्रोड्यूसर एंड बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो आपका सहारा और आपका सपोर्ट चाहिए। कहीं ना कहीं बॉलीवुड की जो खबरें हैं उनसे छन छन के खबर आ रही है कि आने वाले समय में आप किसी रियलिटी शो में दिखाई देने वाली है, तो ये कितनी सच्चाई है या कहीं झूठ है क्या नहीं, है? नहीं अभी तक तो कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन यस इफ द ऑफर इज रियली गुड आई विल टेक ऑन एनी गुड ऑफर, वेदर इज रियलिटी वेदर इज फिल्म वेदर इज एनीथिंग। द मेन थिंग इज कि पंच होना चाहिए, रोल अच्छा होना चाहिए विच अ फिल्म एंड अगर रियलिटी इज वर्थ इट डेफिनेटली मैं लूंगी। साक्षात्कार.com से बात करने के लिए थैंक यू।